तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। दुनिया कुछ नहीं बस दिया ही दिया है, दुनिया कुछ नहीं बस दिया ही दिया तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मेरा भूल जाना तेरा ना भुलाना, तेरी रहमतों का कहाँ है ठिकाना, तेरी तेरी इस मोहब्बत ने पागल किया है, तेरी इस मोहब्बत ने पागल किया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। परम सच्चा, परम आराध्य, परम पूजनीय तपाचार्य परमात्मा रूपा गुण्य मैया के चरणार बिंदु में वंदन करने के उपरांत प्रवेश माला दरबार में उपस्थित मेरे निज आत्मन द्रव्य और भाव दोनों का अटूट संयोग है। द्रव्य भाव की ओर प्रेरित करता है। उपवास किया हुआ हो, कहीं ऐसी विषम परिस्थिति आ जाए कि कोई तनाव या क्लेश का रूप बनने वाली है, तो उपवास किया हुआ व्यक्ति ये सोचने, अरे मना आज तो तेरा क्या है, तेरा उपवास है, तू क्यों झगड़े में पड़ रहा है। तो उस द्रव्य ने भाव की ओर क्या कर दिया, प्रेरित कर दिया। और वो द्रव्य हम विहार करते, मैं अपने ही जिंदगी का बताऊं, छोटी छोटी साधियां साथ में होती हैं। आज से इतने 300 साल पहले जब हम पूना सम्मेलन की ओर जा रहे थे, कई ऐसे रास्ते आए कि खंडर ही खंडर थे, इधर भी पहाड़ियां इधर भी पहाड़ियां, बीच में रेतीला रास्ता और कोई आवाज दो तो सुनने वाला भी नहीं। ऐसे रास्तों में एक भाव जागा था कि देखो 14-14, 15-15, 16-16 साल के मेरे साथ साथ हैं, मैं भी छोटी हूँ, इस बाने में कितनी ताकत है, ये प्रभु महावीर के बाने में कितनी ताकत है, नहीं तो एक जवान लड़की इन रास्तों में कोई रुक सकती है। रात्रि भर वहां रात्रि रुकना, कोई क्या मिल गया, कोई प्याऊ मिल गया, कोई कुछ जगह मिल गया, हम वैसे ही रुक जाते थे, डर लगता ही नहीं था। कोई जवान लड़की ऐसे वहां रुक सकती है, तो इस बाने में कितनी ताकत है कि कोई हमारी तरफ नजर भर के भी नहीं देख सकता। इसका मतलब द्रव्य में भी, द्रव्य में कितनी ताकत है, और चीजों का तो बाद में सोचेंगे, पहले यही सोच लो। तो इसलिए ये द्रव्य ही हमें भाव की ओर क्या करता है, प्रेरित करता है। जब हमारे मन में ये भाव आया, हमारे बाणे में कितनी ताकत है कि कोई हमारी तरफ देख भी, देखने की हिम्मत नहीं रखता, तो हमारा भाव संयम के लिए और मजबूत हो गया। तो द्रव्य ने क्या दिया, सहारा दिया। कई लोग क्या कह देते हैं, महाराज जी समाज में मन तो लगता नहीं, क्या करने में प्रतिबंध है, ये कह देते हैं। माला में मन तो लगता नहीं, क्या करने माला करते, हम तो क्या है दिल के सच्चे हैं, झूठ नहीं बोलते, कपट नहीं करते, हमारी तो यही समाज है। मैं आपसे पूछूं, आप ऑफिस
गए। आज ऑफिस जाने को मन नहीं था, घर में पत्नी क्या थी, बीमार थी या कोई कार्य था, बिल्कुल मन नहीं जाने को, परंतु छुट्टी मिली नहीं, ऑफिस चले गए। ऑफिस में जाते ही पहले फोन लगाया, तुम ठीक हो ना? ठीक है। थोड़ी देर में फिर मन बेचैन हो गया, मन ऑफिस में लग रहा है, नहीं लग रहा। और फिर क्या है, थोड़ी देर में फिर फोन किया, कोई कुछ खाया तो किया कि नहीं, कुछ किया कि नहीं, उठी है या नहीं। फिर क्या है, ऐसे करते करते दिन में कोई 15-20 बार क्या कर दिया, फोन लगा लिया, मन एक मिनट के लिए भी ऑफिस में लगा नहीं। उस दिन की आपको पे मिलेगी या नहीं? क्यों? क्योंकि मन तो लगा नहीं आपका है? मन तो लगा नहीं, फिर उस दिन की तनख्वाह क्यों मिली? क्या लग गई? अटेंडेंस लग गई, हाजिरी आपकी लग गई। तो जो ये कहते हैं ना कि मन तो लगता नहीं, समाई करके क्या करेंगे, अरे जैसे उस हाजिरी लगने से आपको उस दिन की क्या मिलेगी? तनख्वाह मिलेगी। इसी तरह ही पहले द्रव्य समाहित में तो आ जाओ, बाद में मन की सोच लेना। जो ये कहते हैं उनके बात का क्या मिल गया उनको? समाधान मिल गया कि नहीं? और फिर क्या है, हमने क्या किया, समय के वस्त्र पहन लिए, मुकट्टे लगा ली, आसन बिछा लिया और उस पर क्या कर गए, बैठ गए। बैठ गए तो हमने शरीर को तो क्या किया ना, टिकाया ना, है ना? और वचन से भी क्या है, चाहे अनापृति पड़ी, चाहे वक्तामर पड़ा, चाहे माला की, आपने उससे भी क्या किया, आपने संयोग किया, यानी कि क्या लग गया, हमारा वचन और काया दो योग तो हो गए ना। और तीसरा, मन का कभी थोड़ी सी समाई का भाव आ गया या लग गया या नहीं लगा, परंतु क्या हो गया, द्रव्य से हमने शरीर को भी स्थिर कर लिया, काया भी हो गई, वचन भी हो गया। और 100 में से पास मार्क्स कितने होते हैं, एक बच्चे को पास होने के लिए कितने मार्क्स चाहिए, 33। और ये हमारी 100 नंबर की समाहित में हमारे कितने पास हो गए, हमारे क्या हो गए, 60 नंबर तो आ गए ना, क्योंकि वचन से भी और काया से भी। और मन, मन कभी लग जाए कभी ना लग जाए, परंतु 60 नंबर तो फर्स्ट डिवीजन तो आ गई ना, 60 मार्क्स में फर्स्ट डिवीजन होती है, तो फर्स्ट डिवीजन मिल रही है, फिर भी कहते हैं मन नहीं लग रहा तो समय करने का क्या फायदा। अरे 60 नंबर तो तुम्हारे कहीं गए नहीं, और बीच में 2-4% मन भी लग गया तो और भी आ सकते हैं। मन गया तो जान दे, जान दे मत शरीर, बिना कमान से छूटा क्या करेगा तीर, जब तक धनुष पे बाण नहीं चढ़ेगा तब तक वो बाण कहीं जाकर के लगेगा नहीं। तो इसी तरह अगर शरीर और वचन ने संयोग ना दिया, मन कहां भी जाए वापस फिर वही आ जाएगा। इसलिए सामायिक के लिए तैयार हो जाना। एक बीज कच्ची मिट्टी में डाला जाता है, एक बीज रेत में, रेता में, रेत बालू समझते हो ना, उसमें डाला जाता है। रेत में डाला हुआ बीज पानी भी लग गया, अंकुरित तो जरूर हो सकता है, परंतु वो पौधा नहीं बन सकता। और कच्ची मिट्टी में डाला हुआ बीज वो अंकुरित भी होगा और पौधा भी बनेगा और पेड़ भी बनेगा। तो इसलिए आज क्या है, ये 2 दिन हमारे पास है, अपने मन की क्या है, सिंचाई कर लो, उसमें क्या डालने, हमने तप त्याग के बीज डालने हैं, ताकि वो क्या बन जाए, पेड़ बन जाए। और जब पेड़ बन गया तो उसकी छाया आते देर नहीं लगेगी, फल फूल भी मिलेंगे और छाया भी मिलेगी। रेत में बीज ना डालना, इसलिए अपने आज
फिर देख क्या कर लेना, ऐसी खुदाई कर लेना, आज और कल दो दिन ऐसे मिल गए हैं कि बीज तो पॉल्यूशन का डल जाएगा। इसके लिए तैयार हो जाना, तैयारी करोगे तो कुछ आज से अपने आसन वगैरह सब एकदम फिट फिट हो जाना, ताकि हम सुबह उठाएं आसन और आकर के चार चार पांच पांच समय के ले लो। अरे जिनसे उपवास नहीं होता वो पांच समय के एक आसन पे करेंगे तो उपवास का फल मिलता है। एक उपवास से जितने कर्मों की निर्जरा होगी, इसी तरह एक आसन पे पांच समय करने से उतनी ही निर्जरा हो जाएगी। इसलिए तैयार हो जाना। जो समझेंगे नहीं उन्होंने तो समझना ही नहीं, वो कहते हैं समझाते रहो वो समझेंगे नहीं, और जिन्होंने हलू कर्मी जीव होंगे तो वो समझ जाएंगे। संत आए गोचरी को, वो छोटी उम्र पे भोले वाले से संत आए, परंतु थे अंदर से ज्ञानी। बहू घर की रसोई में थी, आई गोचरी लेने के लिए, और ससुर अंदर था, वो तो सामने आना ही नहीं चाहता था कि मैं जाऊंगा फिर वो मेरे को कहेंगे लाला जी आप आए नहीं। कई ऐसे भी होते हैं संतों को देखकर के छिप जाते हैं। तो वो अंदर था, बहू भी क्या थी ज्ञानवान थी और संत छोटी सी उम्र का। तो इन्होंने बहू ने कहा गुरुदेव अभी तो सवेरा ही है। संत ने तो कह, उन्होंने बहू ने तो कह दिया। संत ने कहा बहन समय का पता नहीं लगा, समय का पता नहीं। अंदर पड़ा ससुर कहता बेवकूफ ये दोनों, अरे दोपहर होने को हो गई और वो कहती अभी तो सवेरा ही है, और वो भी क्या है ऊपर से कहता है कि समय का पता नहीं। अरे मूर्ख तुम आहार लेने के लिए निकले हो यही नहीं पता लगा समय का। अंदर बड़बड़ अंदर ही अंदर कर रहा है। इतने में ही वो जो संत था उसने कहा बहन तुम्हारे घर का आचार कैसा है। कहता ले जी चिटोरा आ गया घर में, मुंह का सवादू ये और तो कुछ पूछा नहीं, क्या कहता तुम्हारे घर का आचार कैसा है। पर बहू ने कहा गुरुदेव यहाँ तो सभी बासी खाना खाते हैं। कहता मूर्ख बादाम के हलवे क्या है चाट जाती है, गरम गरम दूध के गिलास पी जाती है, अरे कितना कुछ खा जाती है, और घर की इज्जत बाहर में, और ये पकौड़ा ये संत कैसा है जाकर के पता नहीं 500 जगह बोलेगा उस सेठ के घर में तो बच्चे खाना खाते हैं, मेरी इज्जत तो इसने मिटा दी ना मिट्टी में। बड़ा कुल बुलाया अंदर से, फिर कहता इस जाने दो इस संत को, अभी आकर बहू को बताऊंगा। अच्छा बहन तुम्हारी उम्र कितनी है। कहती मेरी उम्र 25 साल की है। सोचता है इसको इस औरत की उम्र पूछने का क्या मतलब, ये आप कितनी उम्र का होगा ये पता नहीं कहीं गड़बड़ तो नहीं है, क्योंकि इंसान सोचता है। कहती मेरी 25 साल, और घर में कौन है। मेरे पति देव है। उनकी उम्र तो 5 साल है। और मेरी सासू की उम्र 2 साल, और घर में कौन है मेरे ससुर भी हैं परंतु अभी वो जन्मे ही नहीं, अभी वो जन्मे ही नहीं। संत तो गोचरी लेकर के चले गए और वो डंडा उठा के बाहर आ गया। कहता अभी पूछता हूँ। कहते नलायक एक तो वो ऐसा निकम्मा आया चटोरा अचार पूछता है, उम्र पूछता है, वो कितने साल का था तूने नहीं पूछा उनसे, कैसी कैसी बातें करके गया। अरे आप तो 25 साल की बन गई, मेरे बेटे को क्या बना दिया 5 साल का, और मुझे तो अभी जन्मा ही नहीं। पिताश्री जी वो संत ज्ञानी संत था, अगर आपको इसमें कुछ संशय है तो चलो हम वहां पर जाकर के इसका समाधान ढूंढ लेते हैं। जाऊंगा उनके तो मैं सारी इधर उधर की करके आऊंगा, जाता हूँ अभी चल मेरे साथ, चल पड़ा। अब वो ऊपर चढ़ा तो संत के गुरुजी सामने ही बैठे थे, पैर तप 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 करते, क्योंकि जब क्रोध आता तो इंसान फिर
पैर पटकता हुआ चलता है। गुरु जी ने कहा लाला जी कैसे आना हुआ, आना क्या हुआ, कैसे कैसे संत बना रखे हैं तुमने, क्यों क्या हुआ, किसको भेजा था हार लेने के लिए? क्योंकि संत को अपने संत पे विश्वास था, गुरु को। उन्होंने कहा मेरा संत छोटा गया था, मैं तो वो तो बहुत ज्ञानी है, ऐसी बात कुछ भी नहीं हो सकती, बुलाओ उसे। आ गया, क्या पूछा था? मेरी बहू ने क्या पूछा और तुमने क्या जवाब दिया, तुम्हें ये भी नहीं पता समय कितना हुआ। उसने पूछा अभी सवेर है और तुमने कह दिया अभी समय का पता नहीं था। उन्होंने कहा गुरुदेव अगर आपकी आज्ञा तो मैं इसका समाधान कर दूं। कहते हाँ बोलो बेटा। कहते वो जो इनकी बहू है आप तो भाग्यशाली हो, आपको ऐसी बहू मिली है। उसने मुझे कहा अभी तो सवेरा, यानी मेरी उम्र छोटी देख करके उसने ये कहा गुरुदेव अभी तो खाने पीने पहनने ओढ़ने के ऐश उड़ाने के दिन थे, आपने अभी से साधु जीवन ले लिया, अभी तो बहुत सवेरा था, बनी बहुत छोटी उम्र थी। उस ससुर तो हुक्का बुक्का रह गया और मैंने कह दिया समय का पता नहीं कि क्या पता कब काल आ जाए, कौन सा ऐसा समय आ जाए कि मृत्यु के मुंह में जाना पड़े, जब जागो तभी। मैंने इसलिए मैंने उसको जवाब दे दिया कि समय का पता नहीं था। तो फिर चलो ये बात तो हुई, तुम साधु जीवन लेकर के अचार खाते फिरते हो, अरे क्या है तुम्हें रोटी सब्जी नहीं मिलती। वाह लाला जी अचार से मतलब इस घर के, आपके घर का अचार व्यवहार कैसा था। तो इसने बासी खाना बता दिया। गुरु महाराज कसम खा के कहता हूँ मेरे घर में किसी चीज की कमी नहीं, आप जाकर के देखो रसोई में भंडार भरे पड़े हैं, क्या बादाम क्या पिस्ता क्या किशमिश क्या काजू क्या खाने पीने की, और दूध के तो क्या 20-20 किलो दूध आता घर की कहती है और ये कहती बासी खाना। तो बहू कहते पिता श्री जी इन्होंने जो पूछा मैंने उस आचार के बारे में बताया, क्योंकि इस घर में आपके कोई भी धर्म ध्यान नहीं करता। जब मैं इस घर में आई क्योंकि मैंने देखा कुछ भी नहीं है, पहले जन्म की पूंजी जो है वो उसको क्या कर रहे हैं, खा रहे हैं, पहले पुण्य किया उस पुण्य के प्रभाव से ये सब कुछ मिला, परंतु आगे के लिए तो कुछ भी तैयारी नहीं, तो पहले का जो इकट्ठा किया हुआ वो बासी खाना ही तो होगा। शेर तो क्या हो गया जी, घबरा गया, ये क्या। अच्छा बेटी तुमने उम्र कैसे बताई, मेरी 25 साल और मेरे बेटे की 5 साल और मुझे तो क्या नहीं बताया, अभी जन्म ही। पिताश्री जी मैंने जब से आंखें खोली अपने परिवार में मैंने क्या देखा, धर्म ज्ञान देखा। और हमारी माँ ने जब तक हम क्या है माला नहीं करते थे या मंदिर नहीं जाते थे, माँ हमें खाना नहीं देती थी, तो हमारे संस्कार शुरू से ही क्या थे, धर्म के थे। तो मैं जब से क्या है जन्म लिया तब से ही मेरी उम्र की इसमें जा रही है, धर्म में जा रही है। और आपका बेटा जब मैं आई तो देखा कुछ भी नहीं करते थे, मैंने उनको कह कह करके उनके पीछे लग गई मैं कि अगर आप क्या नहीं करोगे, मंदिर में दर्शन करने नहीं जाओगे, माला नहीं करोगे, 2 मिनट प्रभु का नाम नहीं जपोगे, तो मैं आज इस चीज का त्याग कर दूंगी। कभी मैं नमक का त्याग कर देती, कभी मैं मीठे का त्याग कर देती, कभी मैं चावल का त्याग कर देती, और वो मेरे पति देव मेरे क्या है इस त्याग को देख देख करके उनके मन में क्या आ गया, 5 साल से वो धर्म में लग गए। ससुर सोचता वाकई मेरे बेटे को 5 साल हो गए हैं, वो भी करता है। और पिताजी आपको तो मैंने कितना भी कह दिया, आपको तो फिर क्या होता था, सुबह सुबह जल्दी दुकान पे भागू कोई कस्टमर भाग चला ना जाए दूसरी दुकान पे, और ग्राहक के इंतजार करने के लिए आप तैयार रहते थे, ग्राहक के इंतजार को करनी नहीं पड़ती थी, और रात को भी देर से आते थे कि जब सब दुकानें बंद हो जाएगी कोई ना कोई ग्राहक होगा मेरी खुली दुकान देख करके मेरे पास ही आएगा, और रात खाया पिया सो गए सुबह उठ के चले गए, आपको तो धर्म में जागृति आई नहीं। तो कहता वाकई मैं तो बहुत भटका, मैंने तो कभी ध्यान ही नहीं दिया, मैंने
संतों को अपने हाथों से कभी आहार नहीं दिया, दिया क्या मैं तो देखा तक भी नहीं, क्योंकि जब वो संत आते एक दो बार पहले कह रहे थे आप आते नहीं तो मैं छिप जाता। तो मैं सच में कहती इसलिए आपका धर्म में जन्म नहीं हुआ। तो कहता गुरुदेव मुझे निजम करवा दो, आज के बाद मैं भी क्या करा करूंगा, एक माला जरूर किया करूंगा। तो कहते आज तुम्हारा जन्म हो गया, अब तुम क्या ले लिया, आपने जन्म ले लिया, आज से तुम्हारा जन्म हो गया। गुरुदेव मैं आहार दान क्या है, मैं अपने क्या किया करूंगा। संत बता रहे कुछ ना कुछ दान किया करो, कुछ कल्याण किया करो, ब्रह्मचर्य में रहा करो। कहते हाँ हाँ मैं दान भी करूंगा। घर आया और कहा मुनीम को कहा जितना कोठे पे बासी अनाज सड़ा गला पड़ा है ना उसको क्या कर दो गरीबों में बांट। अब गरीब लेके जाते बेचारे देखते बासी है, चलो कोई बात नहीं खाने को तो मिला। अब एक दिन बहू को पता लगा ये सड़ा गला अनाज देते हैं, उसने वो अनाज थोड़ा सा मंगाया और उसको धो करके पीस करके उसी की रोटी खिलानी ससुर को शुरू की। अब गले से ना नीचे उतरे, एक दिन खाई दो दिन खाई तीसरे दिन कहता बहू ये कौन से आटे की रोटी बनाती हो जो मेरे से खाई नहीं जाती। पिताजी फिक्र ना करो अगले जन्म में यही रोटी मिलनी है आपको, अभी से अभ्यास कर लो। क्यों, जैसा दान दोगे वैसा ही तो मिलेगा और ब्याज सहित मिलता है, क्योंकि कहते हैं ना दाने से अनंत गुना अनंत गुना फल मिलेगा। आप सड़ा गला अनाज दोगे तो सड़े गले की अगले जन्म में आपको क्या मिलेगी, रोटी मिलेगी। तो कहते अच्छा फेंक दो सारे अनाज को और आगे से क्या देना, जिसको भी दान देना वो क्या देना, अच्छे अनाज का देना, क्योंकि आहार दान औषध दान ज्ञान दान और अभय दान ये चार दान ये क्या है जीवन के कल्याण करने वाले हैं। तो इसलिए क्या है, अब अपने अंतर में बीज डालना है तो भूमि की गुडाई कर लो सिंचाई कर लो और वो बीज क्या होगा, अच्छा फलवित होगा। अभी समय तो हो गया बदकामर आज फिर मेरा ख्याल है ये इसका नंबर आता ही नहीं चलेगा, तब संक्षिप्त में कर देती हूँ। पंद्रहवीं गाथा चेत्रं ते मर्त्यजिते त्रिदिशामनागे नीतं मनागति मनो न विकारे मार्गं कल्पान्ते काल मरुता चलिता चलेन के मन्दरादि शिखरं चलितं कदाचे। चित्रं यानी अत्रम किमत्रम किम क्या अत्रम आश्चर्य चित्र यदि ते त्रिदिशां नाग यानी यदि अगर ते आपको त्रिदिशां तीन लोक की अप्सराएं भी देवियां भी आपके पास आ जाए और वो आश्चर्य है कि वो आपको क्या नहीं कर सकती, क्या नहीं कर सकती, दिगा नहीं सकती, नहीं तो क्या है कहीं तो गिर जाते हैं। विश्वामित्र भी उर्वशी के मेनका के आने से क्या हो गए थे, गिर गए थे। किंतु चित्रम क्या आश्चर्य है किम क्या अत्र यहाँ पे चित्रम आश्चर्य है, क्या आश्चर्य है अगर वो तीन लोक की त्रि मतलब तीन लोक की अप्सराएं भी नीतम नहीं मनाक अपी यानी मनाक तनिक मात्र भी मतलब किंचित मात्र भी मनो न विकार मार्गम आपके मन को विकार के मार्ग की ओर नहीं ले जा सकती। आपके मन को तीन लोक की अप्सराएं भी तनिक मात्र भी आपको विकारों के रास्ते पे नहीं ले जा सकती। तो इसमें क्या आश्चर्य है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है प्रभु, क्योंकि कल्पांत काल मरुता चलिता चलेगा। कल्पांत यानी जो कल्प का अंत आएगा, जो कल्प का अंत आएगा यानी पांचवा आरा खत्म होगा छठा आरा शुरू होगा। तूफान आएंगे आंधियां आएंगी, पर्वत क्या है गिरते जाएंगे, नदियां सूख करके छोटे छोटे नाले बन जाएंगे। ऐसे समय में सब पर्वत तो गिर जाएंगे परंतु किम मंदराद्रि शिखरम
क्या मंद्राद्रि पर्वत जानी मेरु गिरी पर्वत चलितम चलानो, क्या वो चलायमान होता है? सब पर्वत गिर जाएंगे, जमीन पे पड़ जाएंगे, परंतु मेरु गिरी पर्वत नहीं गिरता, वो अडोल रहता है। क्योंकि वो क्या है, उसके 1,00,000 योजन का मेरुगिरी पर्वत, 10,000 तो वो जमीन में ही, 90,000 योजन वो ऊपर है, जिसकी 10,000 योजन नीचे जमीन है, जिसकी नींव मजबूत है, वो कैसे चलाए मान होगा। इसी तरह ही प्रभु आपके अंदर ब्रह्मचर्य की नींव इतनी मजबूत है, आपने अपनी इंद्रियों को इतना काबू किया हुआ है कि 3 लोक की अप्सराएं आकर भी आपको तनिक मात्र विचलित नहीं कर सकती, आपको विकारों के मार्ग की ओर नहीं ले जा सकती। इसलिए कोई आश्चर्य नहीं, आप तो मेरुगिरी पर्वत से भी महान हो। मेरुगिरी पर्वत से मिल सकता तो आप कैसे मिल सकते हैं? इसलिए आश्चर्य नहीं। आगे वो क्या कहेंगे आप सुनेंगे, पता चलेगा। तब जब के क्षेत्र में